शिवराज सिंह सरकार में संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें अपात्र लोगों, बीजेपी नेताओं और टैक्स पेयर ने गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लिया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी और फर्जीवाड़ा करने वालों से ये राशि वसूली जाएगी। शिवराज सरकार की संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने से कांग्रेस नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बहुत ही गोपनीयता से इस मामले की जांच की तो सामने आया कि लाखों की तादाद में गलत तरीके से अपात्र लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। लाभ लेने वालों में सबसे बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, आयकर दाता शामिल हैं। कुल मिलाकर गरीबों को लाभ देने के लिए शुरू की गई संबल योजना एक घोटाले में तब्दील हो गई। अब सरकार इस मामले में एफआईआर करवा कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एफआईआर होने के बाद सभी घोटालेबाजों के नाम अपने आप उजागर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ 15 साल में फर्जी वाड़े के अलावा कुछ हुआ नहीं। आज जो है खबर कि संबल योजना में 75 लाख से ज्यादा लोग, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पेश प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेता थे, इनकम टैक्स पे ही थे, इन्होंने इसका फ़ायदा लिया संबल का और गरीब लोग उनको नहीं मिल पाया और आज इसलिए उनके बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं जो बिल बड़े बड़े आज भी आ रहे हैं और 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया ये लोग ले गए, इनसे एफआईआर करके वापस लिया जाएगा। इस फर्जीवाड़े पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जितने भी अपात्र लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। इस फर्जीवाड़े में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपने 15 साल के शासनकाल में फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं किया। इस मामले में जनता के पैसों को अपात्र लोगों से वसूला जाएगा। संबल योजना में घोटाले की बात सामने आने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि गरीबों का हक छीनने वालों को हर चीज में घोटाला नजर आ रहा है, ये बौखलाए और बौराए हुए लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना में घोटाले पर कहा, इस सरकार ने संबल योजना बंद कर गरीबों का गला घोटने की कोशिश की है। गरीब को लाभ देना कहाँ का घोटाला है, ये बौराए और बौखलाए हुए लोग हैं, पूरे प्रदेश को लूट लूट कर खा रहे हैं। सरकार किसी गरीब को लाभ देना नहीं चाहती है, ये गरीबों का हक छीनने वाले हैं, इनको जनता जवाब देगी। ऐसे बौराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो तो पता नहीं कहाँ से निकाल लाते हैं। 3 क्राइटेरिया थे संबल के, नंबर 1 शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, नंबर 2 इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए और नंबर 3 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती, इसलिए पता नहीं कहाँ से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए, काय का घोटाला, गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पर नहीं देना तो घोटाला हो गया तो करने वालों को जेल भेज दो, कौन मना कर रहा है? कह रहे कि लेकिन रोज ये हो गया वो हो गया, गरीबों के हक छीनने वालों, जनता देगी इस बात का जवाब। और जो करना है करो, 3 क्राइटेरिया थे, उसके आधार पर जो गरीब थे, निम्न मध्यम वर्गीय थे, उनको संबल योजना का लाभ दिया और इस सरकार ने गरीबों का गला घोट दिया, संबल योजना बंद कर दी, बिजली के बिल 1,000 रुपयों के आ रहे हैं। अरे बिजली के बिल तो छोड़ दो, बच्चों की फीस नहीं भरवा रही। हमारी बहनों को हम पैसा देते थे संबल योजना के अंतर्गत, जन्म के पहले बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, वो इनने छीन लिए और इनने तो गरीब की लाश से कफन के 5,000 रुपया छीन लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।